मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब लदी एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है, जबकि तस्कर मौका देख फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जयनगर की ओर से एक हरियाणा नंबर के स्कॉर्पियो में शराब लेकर दरभंगा की ओर जा रहा है। इसकी सूचना गश्त कर रहे ASI मोहम्मद मोइन को दिया गया। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार अपने दलबल के साथ रहिका इंसाफ चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं गश्त कर रहे पुलिस बल के द्वारा पखरौनी चौक से उक्त हरियाणा नंबर का पीछा किया गया, जिसकी भनक शराब लदे स्कॉर्पियो चालक को लग गया तो तेज रफ्तार से वाहन को भगाने लगा। वहीं आगे इंसाफ चौक के पास गश्त कर रहे पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा। पुलिस बल के द्वारा खदेड़कर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में तस्कर सफल रहा। शराब से लदे स्कॉर्पियो को जब्त कर थाना परिसर लाया गया और वाहन की तलाशी ली गई। स्कॉर्पियो से 783 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। इस बाबत रहिका थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि नेपाल से शराब लदी स्कॉर्पियो आ रहा था, जिसे जब्त किया गया है। मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आदमी को बूझ रहा था सामने जी आता है, लेकिन वो कर नहीं थोड़ा सा हार जाए रे वीडियो बनाया चल बना रहे हैं सर। इसको कैसे जाएगा ये संतोष आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइया सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है? पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार BAMS न्यू लाइफ क्लिनिक राम जानकी चौक सहरघाट मधुबनी।